सो व्हाट्सअप व्हाट्सअप गाइज आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है बुक्स फॉर ऑन्टरप्रनोर्स तो अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं ज़रूर लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड ऑफ कोर्स कमेंट फीड में आप आपकी बेस्ट या फेवरेट बुक ऐसा बोला जाए आ, डाल दीजिए एंड हम उस बुक के बारे में भी आज थोड़ी बहुत बातें करेंगे वाट्सअप व्हाट्सअप का एज आज का टॉपिक होगा बुक्स फॉर ऑन्टरप्रनरस एंड द रीज़न मैंने आज ये टॉपिक चुना है वेरी सिंपल हम लोग अभी किस तरह की सिचुएशन में तो मोस्ट ऑफ अस हम लोग या तो ज़्यादा काम नहीं है हम लोगों के पास सो वी आर स्पेंडिंग मोर टाइम एट होम हमारे हमारे घर पे Uh, या फिर इन जनरल uh, आप लोगों का वर्कलोड थोड़ा कम हो गया है सो यू हैव टाइम कि आप आपका स्किल्स बिल्ड uh, कर सकें सो आई सी विन पेंगविन अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो द नेम एंड सचिन भारद्वाज आर हेयर का इज लाइक द वीडियो एंड डेफिनेटली कॉमेंट्स में आपका फेवरेट बुक ज़रूर छोड़ें वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एज वेल अभी ऐसा हुआ है कि जो मैंने मेरी लिस्ट स्टार्ट की थी उसमें मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्लेमर दूंगा सो दीज आर बुक्स जो ओवर द टाइम ओवर द लास्ट लाइक फ्यू ईयर्स मुझे आई इन माई ओपिनियन सबसे ज़्यादा काम आई हैं दीज माइट नॉट बी माई फेवरेट बुक्स टू रीड बट इन कुछ ऐसी बुक्स होंगी जिनके अंदर का इन्फॉर्मेशन मुझे पसंद आया एंड वुड बी सरप्राइज कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ यार मेरी फेवरेट बुक नहीं है पर मुझे काम आई है एंड आई आव पुट इट इन दिस लिस्ट सो दैट्स इम्पोर्टेंट सो मोस्ट ऑफ दिज बुक्स जो मैं आज बात करने वाला हूँ उनके दो दो तीन तीन की लेसन्स मुझे बहुत 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 काम आए हैं एंड सो ऑफकोर्स दिस टाइम मैं नीचे लिंक्स वगैरह नहीं छोड़ रहा हूँ अमेजोन के इफ़ यू वांट ट आई डू इज़ आई विल लीव द लिंक्स तो आप किंडल एडिशन ज़रूर ले सकते हैं अभी तो ई कॉमर्स बंद है किंडल एडिशन इज़ गोइंग टू ब्रेट आई यूज़ ऑडिबल आई यूज़ किंडल एज वेल एज मैं फिजिकल बुक्स में मंगवाता हूँ अभी आप जैसे मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा आप देखेंगे मैंने काफ़ी सारी बुक्स फिजिकली मेरे साथ रखी हैं मेरे पास में राइट एंड सो दैट इज़ वन सो यू यू गेट टू सी दोज़ बुक्स एज़ वेल एज़ मैं आपको मेरा ऑडिबल का बैकग्राउंड जो बैक एंड है वो भी दिखाऊंगा कि मेरे ऑडिबल के लाइब्रेरी में क्या क्या है ऑफकोर्स देर इज़ ऑल्सो किंडल विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेटफॉर्म्स टू रीड एज़ वेल तो अगर मेरा किंडल भी मैं खोलूँ तो अनफॉर्चुनेटली वाट्स गोइंग टू हैपन इज़ आप किंडल अगर मैं खोलता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियरली यहाँ पे दिखेगा नहीं तो आई विल जस्ट मैंशन कि कुछ काफ़ी सारी बुक्स हैं जो मेरे पास किंडल में भी हैं और फिजिकली भी हैं दीज आर वेरी गुड बुक्स लाइक अ फ्यू ऑफ माई फेवरेट बुक्स कुछ बुक्स हैं जो मैंने फिजिकली पढ़ी और फिर किंडल में खरीद ली ऐसी चीज़ें भी हैं सो आई एम गोइंग टू मैंशन ईच एंड एवरी थिंग एंड मैं हर बुक के uh, जितना डेप्थ में uh, जाऊंगा इट डिपेंड्स कि लाइक like मैं किस बुक के कितना डेप्थ में जाऊंगा बट जितना भी मैं डेप्थ में जा रहा हूं इट इज़ नॉट गोइंग टू बी 100 परसेंट ऑफ दैट बुक सो ऑफ कोर्स ऐसा होने वाला है कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं आप वो बुक पढ़ो आपको उसमें से कुछ अलग सीखने को मिले कुछ डिफरेंट सीखने को मिले तो इट डिपेंड्स एंड अगर आपके साथ ऐसा होता है तो डेफिनेटली डेफिनेटली रीच आउट टू मी आप नीचे के चैनल में लिखिए कहीं पर भी लिखिए एंड हम लोग बात करेंगे कि हम आ, क्या क्या चीज़ें आपने उस बुक से सीखी हैं एंड हम लोग बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर वन आई थिंक विच इन माय ओपिनियन विच इज़ वन ऑफ माय मोस्ट यूज़फुल बुक्स इट डेफिनेटली इज़ नॉट माय फेवरेट बुक ये मैंने सबसे पहले मेरे एक फ्रेंड uh, है भावेश उसके ही हैड अ फिज़िकल कॉपी उसने जब ये लाया था आई थिंक शायद ये हॉस्टल की बात होगी या मतलब कॉलेज की ही बात है सो वेन दैट बुक केम इन टू द हाउस ही वॉज माई फ्लैट मेड आई थिंक उस टाइम पे शायद मैंने दो तीन गाली निकाल के छोड़ दिया सो आई डिड नॉट रीड दैट बुक मे बी बिकॉज ऑफ द नेम और समथिंग लाइक दैट एंड तो उस टाइम पे तो ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं मैंने बुक को बट देन लेटर ऑन मैंने थोड़ा बहुत आई स्किम्ड थ्रू आई स्किम्ड थ्रू दैट बुक एंड आई लाइक वॉट वॉज देयर सो आई बॉट इट इन किंडल उस टाइम पे एंड Definitely, definitely not a great book, but definitely a, a very, very useful book. इसमें से मुझे uh, automation of business की अगर बात की जाए, या in general कि किस तरह से you can put yourself away uh, from business. अभी unfortunately मेरा business model वो नहीं रहा है अभी तक. सो आई हैव नॉट बिन एबल टू इम्प्लीमेंट अलॉट ऑफ दीस थिंग्स बट उसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें ऐसी थी अबाउट स्ट्रक्चरिंग थिंग्स अबाउट स्ट्रक्चरिंग सिस्टम्स अबाउट पुटिंग सिस्टम्स इन प्लेस ई मेल का मैनेजमेंट इट हैज बिन दैट बुक हैज़ बिन ग्रेट एस्पेशली कंसिडरिंग कि कुछ चीज़ें हैं जैसे ई मेल्स का रिप्लाई करना या आपके जो इम्प्लॉयज हैं या आपके जो टीम uh, है आपकी जिनके साथ आप काम करते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना दैट वॉज ग्रेट फॉर मी um, that was very very powerful in in my case because see the things thing is कि बहुत बार अगर आप किसी एक टीम के साथ काम कर रहे हैं तो लोगों को हर चीज़ पे आपसे इनपुट चाहिए रहता है they want some kind of input from you and this kind of a uh, स्ट्रैटी uh, जहाँ पे जो ये मेंशन की गई है कि आप आपके टीम को थोड़ा ज़्यादा पार दो यू गिव देम पार टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन देअर ओन यू गिव देम सम लीवे टू मेक एरर्स ऑफ़ कोर्स इट इज गोइंग टू हैपन सो टू गिव देम दैट लीवे टू गिव देम दैट काइंड ऑफ फ्रीडम फ्रीज अप अ लॉट ऑफ टाइम एंड माइंड स्पेस मतलब इन माई केस तो वो लोग खुद अपने एंड से चीज़ें सॉल्व uh, कर लेते हैं अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं तो दे सॉल्व दोज थिंग्स ऑन देयर ओन विदाउट डिस्टर्बिंग मी और विदाउट टॉकिंग टू मी सो दैट हैज बिन ग्रेट एंड वेरी वेरी पावरफुल फॉर मी सो दैट वन दैट वॉज अ की की थिंग देन आई ऑल्सो सी जब जब मैंने ये बुक पढ़ी तब मैं इतना ज़्यादा इंटरनेट मार्केटिंग में था नहीं आई वॉज जस्ट रीडिंग इट सिं आट कम अक्रॉस द बुक फ्राम भावेश तो उस टाइम पर इतना ज़्यादा मैं ये सब चीज़ों में था नहीं तो आई गॉट टू नो अ कपल ऑफ कंपनीज के नाम जो सरप्राइजिंगली इंडिया में बेस्ड थी एंड uh, वो लोग प्रीलैंस रिमोट वर्क देते थे जैसे रिमोट वर्चुअल असिस्टेंट तो आप बुक पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा इट्स एन एक्सपेंसिव कंपनियाँ अगर आप उन लोगों से बात करो दे आर बेस्ड इन बेंगलोर ना उनके रेट्स आर एक्सपेंसिव ऑलमोस्ट यूएस टाइप के रेट्स हैं बट अपेन्टली टिम्फेर सेस की दे आर दे आर ग्रेट दे बिन वेरी वेरी हेल्पफुल टू हिम सो दैट वन आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट थिंग फॉर मी कि मैं मुझे वो कंपनीज के बारे में पता चला बिकॉज वो कंपनीज़ का जो बिजनेस मॉडल है मैं वहाँ से देख पाया यार ये ये लोग ऐसी ऐसी सर्विसेज भी दे रहे हैं दे ऑल्सो प्रोवाइड रिमोट सी मतलब रिमोट क्लैंस सी आएगा दो महीने सी का काम करेगा चला जाएगा बात खत्म एंड आई वॉज आई वॉज थिंकिंग यार ये बिजनेस मॉडल क्या एपिक चीज है राइट सो दैट्स सो दैट बिजनेस मॉडल इज द बेस ऑफ ब्रांड सूत्रा अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया हो मैं कहाँ जाने की कोशिश कर रहा था ये पूरी बात से सो दिस बुक वॉज डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस मेकर्स ऑल दो नॉट माई फेवरेट आई जस्ट सो आई एम टॉकिंग अबाउट टिम फेरिस का द फोर आर वर्क वीक एज द नंबर वन बुक फॉर ऑन्टरप्रिन इन माई लिस्ट तो मैंने सात किताबों की लिस्ट निकाली है ऑफकोर्स अभी जहीन है विन पैंग है मनी स्पीक्स सचिन ऑल ऑफ यू गाइजर इज ज्वाइनिंग मेक श्योर टू मैंशन आपका फेवरेट बुक सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आपका फेवरेट बुक एज वेल तो लेट्स कम बैक एंड ये है टिम फेरिस का फोर आर वर्क वीक इट वॉज अ ग्रेट ग्रेट बुक नॉट माई फेवरेट टू रीड बट वेरी वेरी यूजफुल सो नंबर वन ऑन माई लिस्ट मैं वन से सेवन जा रहा हूँ सेवन से वन नहीं जा रहा हूँ देन आई हैव अ क्वेश्चन ई यस नो एक्चुअली ई कॉम उतना हार्ड नहीं है वेन um, जितना लोग बोल रहे हैं डेफिनेटली डेफिनेटली उतना हार्ड ई कॉम नहीं है आई नो फॉर श्योर बिकॉज हम लोगों को ई e कॉम में जितना ईजीली चीज़ें मैनेज हुई हैं उतना इजीली और किसी चीज़ में नहीं हुई हैं तो ई कॉम वॉज डेफिनेटली आई आई वुड से इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी एंड इट इज नॉट डेफिनेटली डेफिनेटली नॉट दैट हार्ड बिकॉज उसमें कस्टमर्स इन्वॉल्ड है सो आई एम सॉरी मैं अभी बुक्स का टॉपिक छोड़ के वो क्वेश्चन आंसर करूँ बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप रियलाइज करोगे कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हार्ड और ईजी इट इज़ अबाउट द काइंड ऑफ बिजनेस यू बिल्ड एंड आप लोग किस तरह के सिस्टम्स प्लेस में लाते हो तो जो डिफिकल्ट चीज़ें लोग बोलते हैं वो भी ईजी हो जाती है एंड नंबर वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू मैंशन इज लोग तो हर बिजनेस मॉडल के बारे में कुछ कुछ बोलते हैं सो यू आर टू इग्नोर दोज पीपल Everybody is going to say shit ton of stuff about these uh, various business models, so just ignore all of that, right? And uh, let's come back. Let me remove this pop-up. Okay. So, we number two book. And this definitely is one of my favorite books, and um, I, I had great time. रीडिंग दिस बुक आई रेड इट ट अभी मैं सोच रहा हूँ मैं तीसरी बार पढ़ूँ बिकॉज बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं विच यू डोंट अग्री विद समाइम्स दे आर अलॉट ऑफ सिचुएशन अब बहुत अच्छा अच्छा चलता है फिर एकदम से नीचे चला जाता है तो ऑब्स्टिकल इज द वे बाय रायन हॉलीडे दैट्स माई नंबर टू बुक ऑन माई लिस्ट इसका मेरे पास ऑडि ऑडियो बुक भी है इसका मेरे पास किंडल भी है एंड एज यू कैन सी आई ऑल्सो हैव अ फिजिकल वन सो दैट शोज कि मुझे ये बुक कितनी पसंद है एंड द रीज़न बींग इज द रीज़न इज प्रिटी प्रिटी सिंपल कि यार स्टोइक फिलोसफी uh, जो चीज़ है इट इज सी स्टोइक फिलोसफी इज इज़ अ प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट

थ्रू स्टोइक फिलोसफी एंड थ्रू स्टोइक फिलॉसफी वाले एग्जाम्पल्स वाली डे डि यू थ्रू रियल एग्जाम्पल्स देखो अभी सो वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स ही टॉक्स अबाउट इज यू कुड फाइंड अ पी डी एफ यस सो आपको ऑलमोस्ट हर बुक का किंडल पीडीएफ ये सब मिल जाएगा आई आई प्रमोट बाइंग द बुक क्योंकि आप उससे ऑथर को हेल्प कर रहे हो ऑफकोर्स अभी रायन हॉलीडे ऐसा बंदा है जो बोलता है यार टोरेंट करो मेरी किताबें ही इज सेट दैट ही इज डन दैट उसने अपने बुक के लॉन्चेज वैसे भी करवाए हैं बीच बीच में बट आई ऑलवेज प्रोमोट इफ इफ यू लाइक समथिंग जस्ट गो बाई द बुक सो आई ऑल्सो हैव अलाट ऑफ अदर बुक्स रायन हॉलीडे की बट द कमिंग बैक टू टिकल इज द वे एक ऐसी चीज रही है मेरे लिए कि सी वेनवर सर्टन सिचुएशंस अराइज इन लाइफ आई थिंक हैविंग हैविंग अ रेफरेंस मैनुअल ऑफ समथिंग दैट दैट इज गिव्स यू एग्जांपल्स ऑफ आपसे बहुत ऊपर के लोग सो मार्कस मार्कोसरेलियस है ही आल्सो टॉक्स अबाउट लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक खोला डू योर जॉब डू इट राइट प्रेजिडेंट एंड्रू जॉनसन सो प्रेजिडेंट लोग हो गए सब लाइक बिग लेवल पीपल जिनकी लाइफ मेरे लाइफ से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही होगी फॉर श्योर जिनकी लाइफ मेरी लाइफ से ज़्यादा टफ एंड विद अ लॉट मोर एनिमीज रही है एंड है उनका एग्जाम्पल देकर एंड उनके रियल लाइफ नॉट जस्ट एग्जाम्पल्स उनके रियल लाइफ एक्शंस लेकर ही एक्सप्लेन्स

एज वी ऑल नो कि गांधी जी जो थे उनका फिजिकली ही वॉज नॉट लाइक बिल्ट लाइक अ बॉडी बिल्डर लाइक आर्नोल्ड शॉस नेगर टाइप नहीं थे बट इवन आफ्टर दैट ही टुक दोज थिंग्स उन्होंने ये चीज़ें भी ध्यान में रखते हुए भी ये सब होने के बाद भी वो किया जो उन्होंने किया है वी ऑल नो दैट स्टोरी राइट देन स्टीव जॉब्स मेड द इम्पॉसिबल पॉसिबल ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ हिज ओन कंपनी एंड वो ऑब्स्टेकल को लेके उसने नई कंपनी नेक्स्ट स्टार्ट की थी सो नेक्स्ट कंपनी जब उसने स्टार्ट की नेक्स्ट एज वी ऑल नो इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमेशन कंपनीज ऑन द प्लानट राइट नाउ सो दैट वॉज ग्रेट एंड ही बिल्ट दैट कंपनी अप थ्रू थ्रू एन एडवर्सिटी। सो यू विल हैव दीज एग्जाम्पल्स जिन ऐसे लोगों के एग्जाम्पल्स जिन्होंने अपनी लाइफ की डार्केस्ट मोमेंट्स में सबसे बेटर रिजल्ट लाए फॉर देयर लाइफ्स वेर एवर देवर तो आपका डार्केस्ट मोमेंट छोटा हो सकता है किसी और के कंपेरिजन में डज नॉट नीड टू बी एज बिग बट वॉट वी नीड टू रियलाइज की एवरी ऑब्स्टिकल इज अ वे टू द नेक्स्ट स्टोन और टू द नेक्स्ट थिंग राइट नंबर थ्री बुक है ना अभी रॉबर्ट ग्रीन इज एन ऑथर एन ऑथर आई रियली लाइक भारी एक सेकेंड रॉबर्ट ग्रीन इज एन ऑथर हु आई रियली लाइक अगेन रॉबर्ट ग्रीन का अगर आप नोटिस करोगे uh, तो जो बुक है फोर्टी एट लॉज ऑफ़ पार मेरे पास लाइक आई हैव पेजेस फोल्डेड वगैरह एज वेल फोर्टी एट लॉज ऑफ़ पार मेरे पास फिज़िकल uh, में भी है आई हैव दिस बुक ऑडिबल में भी मैंने दो बार सुनी है ऑडिबल में आई ऑल्सो हैव दिस बुक मेरे किंडल में अगेन अ ग्रेट बुक येस देर इज़ अ लॉट आई नीड टू लर्न एंड बिकॉज मेरे पास ये बुक है आई नो देर इज़ अ लॉट आई नीड टू लर्न तो फोर्टी एट लॉज ऑफ पार बेसिकली टेल्स अस कि ह्यूमन्स एंड ह्यूमन सोसाइटी किस पार पार एज इन दम के लॉज पे चलती है लाइक हाउ यू कैन बिल्ड योर सेल्फ अप इन द सोसाइटी बाय यूजिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड रियलाइजिंग वॉट पीपल डू क्या कब करना चाहिए क्या कब नहीं करना चाहिए कब ज़्यादा बोलना है कब नहीं बोलना है ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स कौन क्या कर रहा होगा आपके पीछे से सो थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज इज अ ग्रेट वे एंड नॉट जस्ट थिंकिंग एंड देन उनको रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करना इज इज अ वेरी इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रांग सूट अगर आपने गॉड फादर मूवी देखी है उसमें वो बार बार बोलते हैं नेवर रिवील योर प्लान्स टू एनी बडी ने सम बडी व्हाट्स ऑन योर माइंड राइट तो उसमें जैसा अभी इसमें लॉ नंबर थ्री है कंसील योर इंटेंशंस की जस्ट रीड अ कपल ऑफ लाइन यू गेट एन आइडिया इज कीप पीपल ऑफ बैलेंस एंड इन द डार्क बाय नेवर रिवीलिंग द पर्पज बिहाइंड यूर एक्शंस इफ दे हैव नो क्लू वॉट यूअर अप टू दे कैन नॉट प्रिपेयर अ डिफेंस Guide them far enough down the wrong path, envelop them in enough smoke, and by the time they realize your intentions, it will be too late. A live, ka recent example. If you are on Netflix, pe ho, Money is that builds on this law quite a bit. Um, then, uh, of course, there are. So these are 48 laws, right? And see. फोर्टी एट लॉज ग्रेट बुक विद एग्जाम्पल्स रियल लाइफ स्टोरीज फूट नोट्स इट्स अ वेरी वेल रिटन बुक एंड द रीजन रॉबर्ट ग्रीन की बुक्स इतनी डिटेल्ड एंड इस तरीके से लिखी हुई होती हैं इज बिकॉज हि स्पेंड्स अ लॉट अशेटन ऑफ टाइम हि एक्ट लाइक अ रिसर्चर एंड ही कंपाइल्स आफ्टर थिंकिंग थ्रू वेरी स्पेसिफिक थिंग्स दैट हैपन इन हिस्ट्री सो हिस्ट्री के रियल एग्जाम्पल लेके बात करते हैं उन्होंने ये लिख दिया और बात ख़त्म हो गई फोर्टी एट लॉज ऑफ़ पार इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ बुक इट्स अ बुक जिसमें यह लॉ स्टार्ट होता है लॉ के ऊपर फिर दो तीन एग्जाम्पल्स आते हैं किसी बिग फ्रॉम सम ऑफ लाइक बिगर नेम्स एंड लाइक दीज आर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ द स्ट दैट देड डेड एंड हाउ दे बीट समबडी एल्स अब वो अभी बीटिंग समबडी एल्स में वॉर जीतना भी हो सकता है या पॉलिटिक्स का कैंपेन भी हो सकता है या बिजनेस की वॉर भी जीतना हो सकता है राइट सो जस्ट एज वन ऑफ द लॉज आई आई टेल यू वन ऑफ वन ऑफ द स्ट्रॉग वंस विच आई थिंक इज प्ले अ सकर टू कैच अ सकर सीम डम्बर देन योर मार्क सो नो वन लाइक्स फीलिंग्स टू पडर देन द नेक्स्ट पर्सन द ट्रिक देन इज टू मेक योर विक्टिम्स फील स्मार्ट एंड नॉट जस्ट स्मार्ट बट स्मार्टर देन यू आर वंस कन्विंस्ड ऑफ दिस दे विल नेवर सस्पेक्ट दैट यू मे हैव अल्टीरियर मोटिव और ऐसा हम बार 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 देखते हैं हिस्ट्री में लोग सामने वाले को ऐसा दिखाते हैं कि भाई तुम गुरु हो एंड दे डिस्ट्रैक्ट दैट पर्सन उनको कि सामने वाला आपने ही उसमें हो जाता है यार मैं बॉस एंड देन पीछे नीचे से कोई आता है एकदम एंड दैट पर्सन बीट्स दैट गाय दर गाय एंड एकदम से उसको झटका लगता है यार मैं तो स्मार्ट था ये तो गधा था ये कैसे आगे निकल गया बट ऑल अलॉन्ग दैट पर्सन वॉज प्लेइंग दिस गाय सो दिस वीड सी क्वाइट अ बिट एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि ऑन्टप्रनोर्स ये बुक पढ़े बिकॉज एंड ना ही सिर्फ पढ़ें ऑन्टनोर्स uh, ये बुक पढ़ के जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे Uh, अपने अपने लाइफ में अप्लाई करें बिकॉज आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉरफुल एंड वेरी स्ट्रांग फॉर योर करियर इन जनरल बिक यू गेट टू नो कि वॉट पीपल आर डूइंग बिकॉज सी बिजनेस इज अ वॉर इन अ वे दैट आपका बिजनेस है सामने वाले ने भी सेम कम सेम टाइप uh, की कंपनी खोली है सो दैट पर्सन इज वर्किंग ट्वेंटी फोर आवर्स टू पुट यू आउट ऑफ द बिजनेस तो मार्क्यू बन जैसे बोलते हैं बिजनेस इज अट दैट इज ट्वेंटी फोर आवर्स अ डे थ्री सिक्सटी फाइव डेज अ ईयर एंड दैट्स हाउ इट इज बिजनेस में सामने वाला हमेशा आपसे आपका बिजनेस लेकर जाने के लिए रहता है बिकॉज कोई अगर आपका कस्टमर नहीं है या आपका क्लायट नहीं है तो सामने वाले का कस्टमर या क्लाइंट है दैट मीन्स यू गेट टू मेक लेस मनी दैट मीन्स यू आर एन अगर प्रॉब्लम राइट अल

एंड अभी लगे कि यार ये क्या हवा कर रहा है बट इफ़ यू स्टॉप एंड इफ यू थिंक इफ यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन दैट मीन्स यू शुड नॉट डू अ बिजनेस जिस बंदे को बिजनेस करना है उसको पता होता है किस बिजनेस में जाने की ज़रूरत है अगर आप मुझे पूछ रहे हो कौन सा बिजनेस करना चाहिए यू आर मेकिंग अूज मिस्टेक किसी और से पूछ कर कि तुमको कौन सा बिजनेस करना चाहिए अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क यू डू योर ओन रिसर्च किसी यूट्यूबर को पूछ लिया किसी इसको पूछ लिया से लेके अब किसी रतन टाटा को पूछ लिया इज नॉट गोइंग टू हेल्प यूर यू आर गोइंग टू नॉट बी हैप्पी इन दैट बिजनेस एंड इट विल नॉट वर्क फॉर श्योर क्योंकि वो किसी और के आइडिया का बिजनेस है बिजनेस इज नॉट समथिंग जो किसी और से पूछ के किया जा सकता है द सेम वे जैसे आज की डेट में हजारों लोग इंजीनियरिंग करते हैं उसके बाद इंजीनियरिंग की नौकरी नहीं लेते हैं आई गिव यू एन एग्जाम्पल मैं सो नंबर फोर ऑन माई लिस्ट इज अ मार्केटिंग की बुक एंड आई थिंक ऑनट्रप्रनोर्स को साइकोलॉजी परसुएजन इन्फ्लुएंस मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग ये तो अंदर से बाहर तक आना चाहिए किसी भी बिजनेस ओनर को एज वेल एज उनको अकाउंटिंग की समझ होनी चाहिए दीज टू थिंग्स आई थिंक आर वेरी वेरी पावरफुल अकाउंटिंग के साथ साथ मतलब बिजनेस एंड मार्केट कैसे चलती है इन जनरल वॉट साइकोलॉजिकल फोर्सेज ड्राइव मार्केट तो उसके रिलेटेड रिलेटेड भी एक बुक है मेरी लिस्ट में तो दीज आर द बुक्स मेरे देखो आप नोटिस करोगे तो so, कुछ बुक्स कॉमन वाली हैं जैसे फोर आर वर्कविक बट काफ़ी सारी बुक्स ऐसी होंगी जो आपको बाकी के लोगों की लिस्ट में नहीं मिलेंगी तो so, जिस बुक की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है पांडे बाय पीयूष पांडे नाउ हु पीयूष पांडे इज ओगिलवी एंड मैदर ओगिलवी नाम की एक कंपनी है ओगिलवी इज़ वन ऑफ द टॉप uh guys was one of the top guys on advertising rolls royce spawns uh, volkswagen some logo. like 1952 or 53 i think ogilvy was started so he is the i think the chairman if i'm not wrong of uh uh chairman of ogilvy india and i think now maybe asia i'll have to if i'm wrong uh, forgive me for that uh so पीयूष पांडे को आप अमिताभ बच्चन से लेके किसी के भी साथ देख पाओगे इफ़ यू जस्ट रिमेंबर दिस फेस इसमें पीयूष पांडे की लाइफ स्टोरी से ले रिलेटेड कैंपेन्स भी बताए हैं। सो वॉट हैपन्ड इन पीयूष पांडेज लाइफ दैट इन्फ्लुएंस्ड अ सर्टन कैंपेन आई गिव यू एन एग्जाम्पल उनकी लाइफ में अब क्या हुआ तो मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं पर अगर आपने फेविकॉल का आई uh, थिंक वो कैंपेन देखा है जिसमें वो मछुआरा डंडा अंदर डालता है और मछलियाँ चिपक जाती हैं फेविक्विक का ऐड है सो दैट ऐड उसका आइडिया यहाँ से आया है so ऐसे बहुत सारे uh, अच्छे लॉन्ग लिविंग कैम्पेन्स फेविकोल वगैरह के हो गए कैडबरी के हो गए ही हैज़ डन आई आई शो यू अ कपल ऑफ फोटोज बिकॉज़ ही हैज़ इनक्रेडिबल इंडिया का जो कैंपेन है वो भी ही इज़ द गाय देन आई एल शो यू कपल ऑफ फोटोज इन फॉर वन ऑफ द कैंपेन्स, आई थिंक वो माँ के हाथ का खाना वाला जो कैंपेन है वो भी दिस गाइज़ डिड उड़ना आता है वाला कैंपेन था जो आई थिंक एशियन पेंट्स का था शायद um, कैसे जीभ लपलपाई यस आई रिमेंबर दिस इज वन ऑफ द फेवरेट वंस कैसे जीभ लपलपाई इज दिस गए ही एंड हिज टीम सो ही इज द माइंड बिहाइंड दैट कैंपेन ग्रेट कैंपेन्स उनसे पता लगता है हम लोगों को कि किस तरह की चीजें स्टिक टू द ऑडियंस सो आई थिंक मार्केटिंग तो इज अ मस्ट सो आई मूव बैक टू द क्वेश्चन सेक्शन एंड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है लेट सी ब्रांड गैप कैंड यस यस सो पीयूष पांडे हिज एड्स आर हिज आट आर ग्रेट एंड आई थिंक सी द बात सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने वो कैम्पेन बनवाए या बनाए ही गोज थ्रू द डिटेल्स हाउ ही सिक्योर्ड दैट डील कुछ बार कुछ टाइम पर ऐसा भी हुआ है कि डील हाथ से निकल गया ऑलमोस्ट सो so, कुछ ऐसे भी हैं कि हाउ ही सिक्योर्ड द डील्स कुछ कैम्पेन ऐसे भी हैं हाउ ही वेंट इन एंड फ्लैशबैक में अपने लाइफ के जाकर उनकी लाइफ की कोई टफ सिचुएशन को उठाकर उससे कैंपेन बनाया है आई थिंक माँ के हाथ का खाना वाला जो सफोला का था या फॉर्चून का था दैट वॉज वन ऑफ द कैम्पेन्स कमिंग फ्रॉम हिम लिविंग नॉट विद हिज पेरेंट्स ऐसा कुछ है तो यूल यू लाइक दैट डेफिनेटली यूड लाइक दिस बुक तो पांडेमोनियम एंड अगेन आई आई लीव ऑल दीज लिंक्स मुझे कुछ टाइम लगेगा लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद हर बुक का एक 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 लिंक डालने में बट आई लीव दिस लिंक्स देन द नेक्स्ट बुक जिसका अगेन मेरे पास uh, अगर मैं आपको लेट्स सी वट एम डूंग इज आई एम गोइंग इन टू माई ऑडिबल मैं आपको ऑडिबल में दिखा देता हूँ या सो येस सचिन ही कुटली डेफिनेटली कनेक्ट तो आई हैव अ फ्यू बुक्स इन मै ऑडिबल में लास्ट में ये सब बुक्स भी दिखाऊँगा सब के बारे में दो दो तीन तीन लाइने भी बताऊँगा ऑडिबल um, की जहाँ तक मेम्बरशिप की बात है ऑफकोर्स यूज माई अफिलियट लिंक आई एम गोइंग टू लीव दैट अगर आपको चाहिए जस्ट रीच आउटे ग्रैंड uh, गार्डन की बात भी मैं अभी करूंगा अनफॉर्चुनेटली उसकी बुक यहाँ पर इस लिस्ट में नहीं है आज की क्योंकि आई थिंक बहुत बार वो घिस पिट के बहुत लिस्ट में आ चुकी है द टेन एक्स रूल इट हैज़ बिन अ ग्रेट बुक फॉर मी आव अगेन लिसन टू इट ट्वाइस थ्राइस सो आप देखोगे टेन एक्स रूल शुड बी समवेयर इफ दिस इज़ पेज वन सो ये मेरे ऑडिबल में ऑब्स्टेकल इज द वे वो हो गया uh, जो मैं आपको बोल रहा था टेन एक्स रूल यहाँ पढ़ी है

uh but i think principles is again one of those books uh, which is i just three cases and what so and and the stuff that he wants to promote and the stuff that he is uh, talking about in in principles not just what he learned here that is pretty basic stuff. Uh, जो आप अगर इतना बड़ा बिजनेस जितना बड़ा बिज़नेस रेड आलियो चला रहे आप uh, करोगे ही सीखोगे ही वो चीज़ें पर जिस तरीके से उसने हर लेसन को एक स्टेप या एक एल्गोरिदम में कन्वर्ट करके अपनी लाइफ के लिए एक प्रिंसिपल या एक एक uh, आप बोलो uh, सीरीज ऑफ स्टेप्स सेट कर दिए हैं दैट ही इज प्रमोटिंग रेडालियो is going to be great number one if again i think i for, uh, forgot one thing ray dalio if you don't know runs the biggest hedge fund on the planet so ray dalio is a great name uh, so that was great let's go to so principles is definitely one of the big big ones i think definitely definitely principles ka audio to sun but i think you should read it you should take notes extensively and work on those notes because he also talks about taking certain steps in your own life and setting your own principles as you come across different uh, learnings in your life right so that's very important uh, let's go back i'll go to the questions uh again okay, at such in merchant interesting cure a journey into this जर्नी इन टू द साइंस ऑफ माइंड और बॉडी ग्रेट गुड टाइटल तो अच्छा है इंटरेस्टिंग टाइटल जो मर्चेंट ओके सिद्धांत है सो विन कैन यू थ्रो समलाइट ऑन ग्रैंड कार्टोन एंड हाउ यू रीच डॉट दैर लेवल सो ग्रैंड कार्टोन की अगर बात की जाए आई वॉज वॉचिंग लॉट ऑफ आई आई जस्ट गो थ्रू क्विकली क्योंकि उस बात को चार साल हो गए बात खत्म हो गई अभी 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 तक वो चलता जा रहा है टॉपिक But um, my views have changed. I am not that big of a fan of Grand Cardone as I was then. But it, with that being said, मुझे helped help definitely, definitely, definitely. I've read his books, audios, all of that, um, all of the videos as well. So time and again, I still open up his videos and I, talk, I, I listen. But uh, in terms of Grand Cardone, uh, one thing that he was big on was taking action. एंड सो विध हिम वॉट हैपन वो अपनी बुक के ट्रांसलेशन निकलवा रहा था तो so मैं काफ़ी टाइम से उसको इधर से रिप्लाई भेज दिया स्नैपचैट पर रिप्लाई भेज दिया इंस्टाग्राम पर दिया वो कर दिया ऑलरेडी कर रहा था थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत बट ऑफकोर्स दैट बिग ऑफ अ गाई यू डोंट गेट अ रिप्लाई बट यू जस्ट कीप एड इट एंड जब ट्रांसलेशन की बात आई तो मैंने उसको आई सॉ कि उसके लिस्ट में हिंदी वगैरह नहीं था सो आई वॉज लाइक डूड इसके लिस्ट में हिंदी क्यों नहीं है तो मैंने की लैंग्वेज जो मुझे आती थी या मैं जिसको इमीजिएटली मेरे फ्रेंड से बात करके uh, किसी फ्रेंड से बात करके मैं बात कर uh, वो लैंग्वेज पे वो ट्रांसलेशन करवा पाता उसकी मिलियन एयर बुकलेट की आई मेड अ लिस्ट ऑफ दोज लैंग्वेजेज़ वो लैंग्वेज के कितने स्पीकर्स हैं इंडिया में मैंने लिस्ट बनाई कि इतने करोड़ लोग ये लैंग्वेज बोलते हैं और मैंने उसको भेजा भाई तू क्यों नहीं करवा रहे इंडिया की लैंग्वेज में इंडिया में इतने करोड़ लोग ये लैंग्वेजेज़ बोलते हैं एंड ही सेड यस यू आर द की टॉक टू माई वी वहाँ पे नंबर दिया बात किया सो आई टुक अपन सिक्स ऑफ कोर्स मैंने उसमें से पंजाबी और हिंदी का देखा uh, गुजराती मराठी तमिल दीज लैंग्वेजेस आई मैनेज मैं उस टाइम पे किसी को भी नहीं जानता था सो आई हिम कि मेरे पास पूरी टीम है रेडी मैं अभी करवा दूंगा एंड uh, मेरे पास कोई भी रेडी नहीं था सो आफ्टर ही सेड यस आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर पीपल मेरे फ्रेंड्स में सो आई गॉट अ फ्यू पीपल उनका नाम आया उनका नाम आज भी है वहाँ पे ग्रांड के वेबसाइट पे मेरा नाम है मेरा वीडियो है ग्रांड के वेबसाइट पे सो इट वॉज डेफिनेटली हेल्पफुल सो आई टुक स्टेप्स एंड आई मेड श्योर सो आई कोच टेबल टेनिस इन पूना एंड देन आई रन अ मार्केटिंग कंपनी कॉल्ड ब्रांड सूत्रा Then of course I run this YouTube channel. Um, I run a blog called HelpingMenStyle.com, and on USKE HelpingMenStyle, against there are two Instagrams uh, which have more than two lakh people on on the Instagram. I am doing a, building up a couple of projects. One is on language learning. Then uh, second one is on guitar and music. So I'm building up a guitar and music blog as well called TheGuitaristMag.com. गिटारिस मैक डॉट कॉम के अगेंस्ट मेरे पास एक इंस्टाग्राम अकाउंट है विच आई हैव बिल्ट दैट इज एट ओनली टेन थाउजेंड फॉलोअर्स बट इट्स अ बिग नंबर एज सच अगर देखा जाए तो सो दैट ब्लॉग इज टाइड अप टू दैट इंस्टाग्राम अकाउंट एज वेल सो आईव जस्ट स्टार्टेड द लैंग्वेज वाला एंड गिटार वाला जस्ट स्टार्टेड डूइंग सो स्पिरिचुअल बुक्स नहीं आई डोंट रियली हैव स्पिरिचुअल बुक्स मुझे नींद आती है वो सब पढ़ के तो वो मेरे से नहीं मिलेगा वो किसी और से ही लेना पड़ेगा उसका एडवाइस नॉट दैट बिग ऑफ स्पिरिचुअल बुक्स का नंबर छ जो बुक है मेरी लिस्ट में वो है मास्टरिंग द मार्केट साइकिल ऑफकोर्स मैंने इसका ऑडियो बुक भी सुना है एंड ऑडियो बुक सुनने के बाद मैंने इसका फिजिकल वर्जन लिया बाय हावर्ड मार्क्स अगर आप इंडिया में न्यूज़ देखते हो तो आज रिसेंट एक हफ्ते में हावर्ड मार्क्स दो बार न्यूज चैनल्स में आया है टॉकिंग अबाउट मार्केट्स तो वॉरेन बफे सो तो हावर्ड मार्क्स इज फंड मैनेजर मैनेजेस, आई थिंक सम हंड्रेड बिलियन या वो फिगर रॉन्ग हो सकता है बट ही मैनेजेस बिलियंस ऑफ डॉलर्स ही हैज दीज मेमोज दैट ही सेंड्स मतलब थाट्स टिम फेरिस इज अगर आपने लास्ट ये जो फ्राइडे था उसका फाइव बुलेट फ्राइडे का ई मेल देखा हो यही वाला फ्राइडे जो गया है सत्रह तारीख को उसमें टिम फेरिस ने मैंशन किया था ही इज रीडिंग वन ऑफ द लेटेस्ट मेमोज बाई हार्वर्ड मार्क्स वॉर बफे सेज टिम फेरिस ने भी कोट किया है वैन आई सी मेमोज फ्राम हार्वर्ड मार्क्स इन माई मेल दे आर द फर्स्ट थिंग आई ओपन एंड रीड आई ऑलवेज लर्न समथिंग वॉर बफे वन ऑफ द रिचेस्ट रिचेस्ट पीपल ऑन द प्लानेट आवर्ड मार्क्स ने जो मार्केट साइकिल की बात की है उसका फायदा मैं आपको ऐसा बताता हूँ देर इज एन ऐप कॉल्ड ट्रैक इन्वेस्ट सो ट्रैक इन्वेस्ट में uh, मैंने सो ट्रैक इन्वेस्ट में मैंने क्या किया है ट्रैक इन्वेस्ट में मैंने एक ऐसा आप बोलो थियोरी टेस्ट करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोला वो लोग आपको वर्चुअल करेंसी देते हैं पचास लाख रुपए वर्चुअल हैं टोटली सो यू डोंट लूज़ मनी इट इज़ नॉट योर मनी वर्चुअल है बट स्टॉक प्राइसेस हैं वो रियल टाइम होते हैं सो मास्टरिंग द मार्केट साइकिल का जो थियरी है वो लेकर मैंने ट्रैक इन्वेस्ट में अभी ड्यूरिंग दिस डाउन टर्न हेड इन्वेस्टिड मनी देर आर सर्टन कंपनीज बिग नेम्स सम सच एज नाम नहीं दूंगा आप लोग इन्वेस्ट करोगे कुछ प्रॉब्लम होगा मेरा नाम आएगा नाम नहीं दूंगा देर आर सर्टन कंपनीज इन्वेस्ट में विच आर अप बाय 46 परसेंट बाय यूजिंग मास्टरिंग द मार्केट साइकिल कोर्स वर्चुअल है बट अगर असली पैसा होता तो भी अप तो उतना ही होता ना तो देर आई वॉन्ट टू डेस्ट अ फ्यू थ्योरीज दैट ही हैड सो मास्टरिंग द मार्केट साइकिल आई थिंक इज ग्रेट इट गिव्स यू अ जेनरल एंड ऑफ कोर्स एन इन डेप्थ आइडिया ऑन हाउ द मार्केट एंड बिजनेस वर्क कहाँ की न्यूज़ क्या अफेक्ट कर सकती है सो so आप उस एंगल से सोचना शुरू करते हो यू स्टार्ट टू थिंक वॉट अफेक्ट्स वॉट अफेक्ट्स वॉट अफेक्ट्स वॉट एंड अफेक्ट्स मी राइट सो यू गेट टू नो कि दुनिया कैसे काम कर रही है फाइनेंशियल वर्ल्ड uh, की जो दुनिया है एंड बिजनेसिस कैसे काम कर रहे हैं किस तरह की चीज़ किस तरह के बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं यू स्टार्ट थिंकिंग इन दोज टर्म्स कौन सी चीज जब लोग बोले बिजनेस गिर गए मार्केट गिर गई मार्केट गिर गई क्या वो मार्केट गिरी है या जस्ट एक करेक्शन है यू गेट टू रियलाइज थिंग्स एंड गिव्स अ वेरी वेरी ग्रेट ग्राफ बेस्ड स्टडीज इन दिस बुक एज वेल सो आई थिंक इट इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एक ऑन्टरप्रनर या एक बिजनेस में हो लास्टली इज वन ऑफ द लेटेस्ट बुक्स जो मैं अभी सुन रहा हूँ अभी पहली बार हो रहा है कि मैं बिना बुक खत्म किए मैंने अभी ऑलमोस्ट सिर्फ एक डेढ़ घंटे की ही वो बुक सुनी है uh, वो बुक का नाम है सो दैट बुक आई जस्ट शो यू गाइस सो दैट बुक इज द टाटा हाउ अ फैमिली बिल्ट अ बिजनेस एंड अ नेशन सो इट बी सरप्राइज टू नो द नंबर ऑफ थिंग्स दैट द टाटाज हैव डन इन द कंट्री फॉर द कंट्री यूनिवर्सिटीज़ अंग्रेजों के टाइम पे बिल्ड करवाने से लेके मतलब क्या क्या सो दिस वन द टाटा इज बाय गिरीश कुबेर आई हैव इट इन ऑडिबल बिकॉज इट्स इट्स अ स्टोरी काइंड ऑफ बुक सो मैं इस तरह की बुक्स ऑडिबल में ही नॉर्मली रखता हूँ डेफिनेटली डेफिनेटली अ ग्रेट बुक सो इफ यू लुक एट इट कि कुलदीप सिंह ढिंगरा बर्जर पेंट्स के जो uh, हैं मालिक ऑन हिम हिज बायोग्राफी अनयूजल बिलियन इज अबाउट सेवन ऑसम बिजनेस सौरभ मुखर्जी के राइटर सो इफ यू लुक लॉट ऑफ बुक्सर अबाउट सर्टन पीपल एंड चार्ली मंगर पे हो गई वॉर बफे पे हो गई सो द रीजन बींग रीज़न बींग आई थिंक बायोग्राफीज से हम लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलता है बायोग्राफीज स्पेशली आर आर एक्सट्रीमली पावरफुलट टू लर्न अबाउट थिंग्स दैट अदर्स हैव डन एंड वो लेसनस को हम हमारे लाइफ में uh, कैसे अप्लाई करें बायोग्राफीज़ में वो चीज़ें काफ़ी बार मिलती हैं क्योंकि बायोग्राफीज़ का कैसा होता है लाइक यू आर फॉलोइंग यू आर रीडिंग अ बायोग्राफी एंड उस जो भी बंदा है जिसकी बायोग्राफी है उसकी लाइफ में कुछ बहुत इंपरेंट सी सिचुएशन आती है एंड दैट पर्सन देन थिंग्स ये आर ये मेरा आइडल है इसने अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन में ऐसा किया था और मेरी सिचुएशन में ऐसा कर दो एंड यू रियलाइज इट इज़ अ चेंज आप उससे सीख रहे हो उसने उससे सीखा था उसने उससे सीखा था उसने उससे सीखा था उसने उससे सीखा था एंड इट इज ऑलवेज काइंड ऑफ अ चेन एंड इट कम्स डाउन टू वन और टू गाइस सो दैट्स वाई आई थिंक इट इज इट इज वेरी पावरफुल कि आप बायोग्रफीज में जाओ एज एन ऑन्टरप्रनर एज अ बिजनेस और इट रियली हेल्प्स टू थिंक थिंग्स थ्रू एंड टू गेट टू लर्न न्यू थिंग्स तो ये uh, जो सात किताबें हैं दीज सेवन बुक्स आई थिंक आर मस्ट रीड्स and yes exactly uh, so sachin says people connect more with stories and that is that is so true those uh, stories put you on a thinking path because a situation directly it becomes difficult to connect so uh, big example is my book smart brainology the mindset of winners um, if you go to amazon and um, if you have uh, kdp uh, joe unlimited

नो रेफरेंसिस वट्स एवर उसका जो सेकेंड वर्जन जो मैं तैयार कर रहा था जो मैंने पब्लिश नहीं किया है उसमें देर वर स्टोरीज इन द सेकेंड वर्जन बट आई डिड नॉट पब्लिश लाइक लेट्स कीप इट फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी एक्सट्रीमली मोटिवेटेड सो मैंने वहां पर वो थोड़ा सा आ, रोका था सो वेलकम टू सचिन का क्वेश्चन विच इज हाउ मच हैज द फ्यूचर इन्फ्लुएंस्ड माई करियर आई थिंक अ बिग पार्ट ऑफ माई थिंकिंग पर विद दैट बीन सेड वो जो चीज़ें मैं सीखी हैं वो मैं अप्लाई पूरी तरह से कर नहीं पायाग्राम क्राउजल्स येस एग्जैक्टली पीपल गेट टू इंटरक्ट विद इट सो कमिंग बैक फ्यूचर की काफ़ी सारी चीजें जो हैं uh, वो मैं अप्लाई नहीं कर पाया हूँ एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ टाइम एंड लैक ऑफ स्पेस टू अप्लाई अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स सर आई हैड दैट कांडंड ऑफ इन्फेक्ट बट आई नो दो आर वेरी वेरी स्ट्रांग थिंग्स दे डेफिनेटली हैव इंफ्लुएंस्ड माई बिजनेस इन द वे आई चार्ज एंड एवरीथिंग बट आई आई स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो सो आई वोंट से आर्न टन एवरीथिंग द फ्यूचर में से सो दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट कमिंग बैक टू द चैट और आप Uh, जो भी लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं डेफिनेटली लाइक करके uh, आपका क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हैं एंड डेफिनेटली डोंट फॉरगेट कि आप चैट में आपका फेवरेट बुक लिखिए हम लोग बुक्स डिस्कस कर रहे हैं आज एंड हम आपकी फेवरेट बुक के बारे में भी बात करेंगे सो आई वॉन्ट टू सी कि आपके कितने फेवरेट बुक्स में से मैंने क्या क्या पढ़ा है क्या क्या नहीं पढ़ा है आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी दैट एंड नाउ नाव आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू सो so, uh, क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ मेरे दो ऑडिबल के अकाउंट्स हैं वन इज़ ऑडिबल डॉट कॉम का अकाउंट सेकेंड इज मेरा ऑडिबल डॉट इन का अकाउंट बिकॉज uh, जब मैं यू में रहता था तो आई हैड ऑडिबल डॉट कॉम एंड आई पेइंग आई थिंक अराउंड ट्वेंटी डॉलर्स अ मंथ या ऐसा कुछ ट्वेंटी या थर्टी डॉलर्स मंथ टू गेट ईच ऑडिबल का बुक बट देन uh, जब अभी रिसेंटली इंडिया में ऑडिबल लॉन्च हुआ आई गॉट टू नो कि इंडिया में फिर दो सौ रुपये पर मंथ के हिसाब से लॉन्च हुआ एंड मतलब क्या बोले बंदा अभी सो आई आई टू दैट एंड सो वॉट एम ट्राइंग टू डू हियर इज आई लोपन अप माई ऑडिबल लाइब्रेरी एंड ऑफकोर्स दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई दट आई फाउंड इट इज इन इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज जो ऑडिबल इंडिया में आई है हिंदी में ऑडिबल uh, इंडिया में वो आई है किस्सा uh, ख्वाबों का करके एंड वट दैट थिंग इज इज ऑफ इंटरव्यूज येस आई हैव ट्राइड ब्लिंकिस्ट मेरे पास ब्लिंकस्ट का प्रीमियम मेम्बरशिप है आई एम नॉट श्योर इफ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू इट और नॉट बट आई आई डेफिनेटली थिंक इट इज इट इज़ अ ग्रेट सो इफ सो मेरे पास ब्लिकस्ट भी है आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स बट अगेन बहुत सारी बुक्स है जो रिपीट पर चलती है जैसे स्किन इन द गेम है उसका मेरे पास ऑडिबल भी है Uh, मेरे पास प्रिंट भी है एंड ब्लिंकिट में भी मैं सुन रहा हूँ सो इट डिपेंड्स हाउ ऑन व्हाट काइंड ऑफ मूड आई एम एंड मैं कॉन्टेंट कैसे कंज्यूम कर रहा हूँ बट आई कंज्यूम अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट तो ऑडिबल का मेरा अकाउंट खोलता हूँ अभी एंड um, आप लोग देख पाएंगे ओके

इज़ बिकॉज वो बहुत घिस गई है हर लिस्ट में वो बुक आती आती है सो आई ट्राई टू गो ऑन अ डिफरेंट रूट हम सो मैं आपको मेरा ऑडिबल का लाइब्रेरी दिखाता हूँ वॉट आई हैव इन ऑडिबल लेट मी सी इफ आई कैन ऑल्सो ओपन अप माई किंडल लाइब्रेरी हियर सो ऑडिबल का ऐसा है आई है बुक कॉल्ड इनवेस्टेड सो इनवेस्टेड इज बाईन का यूट्यूब चैनल इज ग्रेट यू डोंट नीड टू बाई द बुक ही गिव्स अट ऑफ वैल्यू ऑन हिज यूटूब चैनल अभी अलग से लॉकडिन है अभी नहीं खुलेगा वो सो आई लोपन अप दैट सो ऐसा है कि अगर आप बात करें

यू कैन हैव वन फ्री बुक अ मंथ ऑफ कोर्स उसके अलावा आपको बुक चाहिए तो यू हैव टू पे बट आई थिंक वन वन फ्री बुक अ मंथ ऑडिबल बुक अ मंथ इज 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 अ ग्रेट वैल्यू एड टू योर लाइफ इन जनरल नए लोग डेफिनेटली लाइक द वीडियो इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन बाई रॉबर्ट चाल्टिनी इज अगेन अ ग्रेट बुक यहाँ पे बोल रहे हैं सेवन आर्स लेफ्ट बिकॉज या डॉट कॉम में इसको मैंने डॉट इन में मूव करके आव लिसन टू ऑल ऑफ दीज बुक्स मल्टीपल टाइम्स सो इन्फ्लुंस इज ग्रेट एज आ सेड किसी भी बिजनेस वाले को मार्केटिंग एंड परसुएजन इन साइकोलॉजी का पता होना चाहिए सो डेफिनेटली अ ग्रेट बुक ब्लू ओशन स्ट्रेटजी मैंने खरीदी थी बट ये मैंने ज्यादा सुनी नहीं है बिकॉज आई स्टडीड अबाउट द प्रिसिपल सो आई नो वट ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी इज आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइज ऑल्सो नो सो आई आई इग्नोर दिस

सो डेफिनेटली अ ग्रेट बुक इट हैज़ हेल्प मी अट विद कंसल्टिंग एज वेल जेंगे खान यू ऑल नो जेंगे खान तो जेंगिस खान की बचपन से लेके पड़े होने तक की बायोग्राफी है प्रिंसिपल मैंने आपको दिखाया स्ट्रेटेजी अस्ट्री रिसेंटली गॉट इट आईव जस्ट स्टार्ट लिसनिंग टू इट डेफिनेटली अ ग्रेट बुक रिकमेंडेड अगेन बाय रायन हॉलीडे आर्ट ऑफ सिडक्शन बाई रॉबर्ट ग्रीन सो आप देखोगे रॉबर्ट ग्रीन की हर बुक है मेरे पास सो इन रिस्पेक्टिव ऑफ वुक इस बारे में क्या बुक है इट इज गोइंग टू बी विद मी थर्टी थ्री स्ट्रेटेजीज ऑफ वॉर मेरे पास है लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर भी है मेरे पास वो शायद ऑडिबल में नहीं है देन आई हैव फोर्टी एट लॉज ऑफ पार इन ऑडिबल टाइटन इज अबाउट जॉन डी रॉकाफेलर यू वुड रिकोगनाइज लाइक छोटे होते से जॉन डी रॉकाफेलर ने क्या क्या किया टू बिल्ड वॉट ही हैज ग्रेट ग्रैंड कार्ड उनकी क्लोजस्ट सर्वाइवल गाइड इज ओके ओके ज़्यादा मजा नहीं आया था इज ओके ओके अगेन मिलियन डॉलर कंसल्टिंग बाय एलन वीस इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट बुक इफ़ यू आर इन टू कंसल्टिंग इफ यू आर इन टू बिजनेस कंसल्टिंग या आप बिजनेस कंसल्टिंग शुरू करना चाहते हैं सो ही गिवस अलाट ऑफ प्रैक्टिकल टिप्स जो आप कर सकते हैं एंड जो आपको करनी चाहिए इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ बिग लेवल कंसल्टिंग गाय प्लेटफॉर्म इज बाई माइकल हायत माइकल हायत इज़ ग्रेट ब्लॉगर हु आई हैव फॉलोड मैंने बहुत सालों से माइकल आयात को फॉलो कर रहा हूँ तो दिस इज वन ऑफ इज बुक्स एंड दिस इज अबाउट कि आप आपका ऑडियंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं जिस ऑडियंस को लेकर यू विल वर्क इन इन इंटरनेट का फील्ड ट्रस्ट मी आम लाइंग इज वन ऑफ द फर्स्ट मार्केटिंग बुक्स आई रेड देन मैंने इसका ऑडियो वर्जन भी लिया था तो इट इज़ बायर आय हॉलीडे ही एक्सप्लेन डिफरेंट मार्केटिंग कैंपेन्स जो एंड मार्केटर मार्केटर्स इन जनरल क्या क्या घटिया चीज़ें करते हैं एंड एंड हाउ दे मनीपुलेट पीपल एंड हाउ दे मैनिपुलेट मीडिया टू गेट टू गेट दोज लाइक टू गेट द न्यूज एंड एवरी थिंग राइट आस कैरी वीज ज़्यादा बोलने का जरूरत नहीं बुक के बारे में रूल पोक द द बॉक्स इज़ वन वन ऑफ ऑफ माई फेवरेट मार्केटिंग गाइज सो पोक द बॉक्स इज डेफिनेटली ग्रेट सेध गोर्डन की दूसरी है फ्री प्राइज इनसाइड ही मेक्स दिस वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं बट हिज बुक्स मेक यू रियली थिंक मतलब आप बैठोगे एंड आपको सोचना पड़ेगा बहुत ज़्यादा आपके लाइफ के बारे में बी ऑब्सेस्ड और बी एवरेज सो ये हो गया ऑडिबल डॉट कॉम का एंड ऑफकोर्स इसके अलावा फिजिकली आई हैव हंड्रेड ऑफ बुक्स घर पे एज वेल तो वो मैं अब उसमें नहीं जा रहा हूँ लिश में येस तो दिस हिज वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट किस्सा ख्वाबों का आ, uh, ये फ्री है ऑडिबल पे अगर आप ऑडिबल पर uh, वो करना चाहते हो ऑडिबल पे आना चाहते हो uh, तो डेफिनेटली यूज़ माय लिंक जस्ट आस्क मी फॉर माय लिंक ओके डिपेंड्स शशि ऑडिबल वर्सेस किंडल ऐसा है मेरे पास ऑडिबल भी है किंडल भी है देर आर डिफरेंट सिनारी मतलब ऑडिबल मेरे कान में ज़्यादा देर ब्लूटूथ के एयरफोन्स रहते हैं सो आई एम ऑन ऑडिबल मोस्ट ऑफ द टाइम सो ऑडिबल तो डेफिनेटली है ही है आज की डेट में मेरे पास वेन आई एम ड्राइविंग तो कार में भी ब्लूटूथ पे वो लगा रहता है ऑडिबल ही चालू रहता है किंडल हैज़ इट्स ओन प्लस विच आई एम गेटिंग टू नो नाओ क्योंकि मैंने अभी घर शिफ्ट किया है रिसेंटली सो एंड बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड एवरीथिंग मैं बुक शेल्व वगैरह ऑर्डर नहीं कर पाया हूँ एंड uh, इट इज़ अ बिग हैसल मेरे पास अभी यहाँ पे कार्टन भर के पड़े हैं आपको ऑलमोस्ट देख ही रहा होगा यहाँ पे सामान है तो कार्टन भर के पड़े हैं मेरे पास बुक्स के आई हैव वन बुक शेल्फ वो भी मुझे आधी आधी भरनी पड़ी है क्योंकि वो बेंड होते हैं बुक शेल्फ यू हैव टू बी इट इज़ अ हैसल टू कैरी सो मैनी फिजिकल बुक्स तो डेफिनेटली किंडल का ऐसा है कि यू वॉन्ट टेन थाउजेंड बुक्स टेन थाउजेंड बुक्स इसमें आ जाएंगी तो इट इज़ डेफिनेटली अ प्लस आई थिंक मैं अभी किंडल की तरफ थोड़ा ज़्यादा बेंट हूँ सो देन फिजिकल बुक्स बट फिजिकल बुक का मज़ा अपना अलग है उस पर पेन से नोट लेना पेज फोल्ड करने का मज़ा अपना है और अलग है बट आई थिंक किंडल इज डेफिनेटली ग्रेट इमोशनल इंटेलिजेंस एज मानव बाय डैनियल कोलमेन हैव नॉट रेडिट है श्योर विल हैवे लुक मेरे नेक्स्ट ऑडिबल के फ्री क्रेडिट पे सो गाइज वट आई एम गोइंग टू डू बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट बुक मैं मेरा ऑडिबल का लिंक आपको अभी देता हूँ सो इफ़ यू गाइज आर गोइंग फॉर ऑडिबल डेफिनेटली यूज़ माई अफिलियट लिंक गाइज वेरी वेरी पावरफुल पावरफुलट सी सो कमिंग बैक अनस्टॉपेबल बर्जर पेंट्स के जो ओनर है जिन्होंने शॉपकीपर से मल्टी बिलियनियर कैसे बने दिस इज दैट बुक आई जस्ट बॉट इट मैंने अभी तक सुननी स्टार्ट नहीं की है सो दैट इज वन टाटाज ऑफ कोर्स मैंने आपको बता दिया है अनयूजल बिलियनियर इज अबाउट सेवन बेस्ट बिल्ट बिजनेसिस इन द कंट्री सौरभ मुखर्जी इज एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर मार्सिलस इन्वेस्टर्स नाम की कंपनी है इनकी मुंबई में सो ही मैनेजेस योर पोर्टफोलियोज एंड ही रोट दिस बुक हावर्ड बिजनेस रिव्यू का मैनेजर्स हैंड बुक सो दिस लीडर्स के लिए जो टॉप सत्रह स्किल्स हैं वो क्या हैं और कैसे करनी चाहिए सो दैट इज ग्रेट एंड सो दैट्स मेन देन डेविड गॉगिन्स का कान हर्ट मी डेफिनेटली अ ग्रेट बुक थोड़ा ओवर द टॉप हो सकता है अगर इफ़ यू आर नॉट लाइक इफ यू आर नॉट यूज टू द काइंड ऑफ स्टफ दैट इफ यू आर नॉट यूज़ टू द काइंड ऑफ स्टफ दैट पीपल से एंड एक थोड़ी एक्स्ट्रीम लैंग्वेज आपको नहीं चाहिए तो ये बुक आपके लिए नहीं है इफ़ यू आर फाइन विद एक्सट्रीम लैंग्वेज एंड दिस इज फाइन देन ऐसा है कमिंग बैक टू लेट से द नेक्स्ट बुक इज मिचियो काकू सो मिचियो काकू की मल्टीपल बुक्स हैं मेरे पास आप देखोगे द फ्यूचर ऑफ ह्यूमेनिटी एंड अब आई हैव फिजिकल बुक्स एज वेल मिचियो काकू बट आई वॉन्ट टू लिसन टू दिस बुक्स सो इसमें से काफ़ी सारी बुक्स ऐसी हैं कि मैंने डाल के रखी हैं कि हाँ मैं करूँगा क्योंकि मुझे फ्री क्रेडिट मिलता रहता है हर महीने बहुत बार मैं नहीं होप कर पाता हूँ पूरा आई डोंट आई डोंनेज समाइज ऑफ दिस बुक्स तो वो यहाँ पर रहती हैं

चार्ली मंगर द कंप्लीट इन्वेस्टर बाय रैंडमनेस सो नसीम निकोलस तालेब की आई वुड पुश यू कि आप सब बुक्स पढ़ो इनका पांच बुक्स का एक सीरीज है वो पांच की पांच बुक्स पढ़ो ब्लैक स्वान फूल बाय रैंडमनेस एंटी फ्रेज है लेसे करके पांच बुक्स हैं सो रीड ऑल ऑफ स्किन इन द गेम इज वन ऑफ दो पांच बुक्स एज वेल इफ यू वॉन्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ इन्वेस्टिंग जहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े बट रिटर्न आपको नाइन्टी परसेंट जनता से ज़्यादा मिले तो द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग बाय जॉन सी बोगल जॉन बोगल या जैक बोगल ही डाइड लास्ट इयर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गाइज वॉरन बर्फे के वर्ड्स में ही इज द पर्सन हु चेंज्ड इन्वेस्टिंग एज एवरीबडी नोज इट इन द वर्ल्ड ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरीज ऑफ ग्रेट पंपकिन प्लान माइक मेकेलोविथ्स की बुक वॉज रिकमेंडेड टू मी बाय सनी लेनाडुजी शी हैज़ अ यूट्यूब चैनल एंड दिस बुक टेल्स यू कि आप बिजनेस अपना कैसे बिल्ड करो बाय टेकिंग ओनली व्हाट वर्क्स एंड थ्रोइंग आउट व्हाट डज नॉट वर्क यू वुड भी सरप्राइज्ड कि आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए बहुत कितनी स्ट्रांग बुक है यू वुड बी सरप्राइज्ड इफ इफ यू लिसन टू दिस इफ यू लिसन और रीड और डू वट दिस बुक विद दिस बुक राइट वॉट आई एम गोइंग टू डू आई एम गोइंग टू कम बैक ऑन द स्क्रीन एंड हम लोग थोड़ा मैंने नोटिस किया कि थोड़ा चैट में काफ़ी सारी एक्साइटिंग बातें हो रही हैं वेलकम टू द चैट वॉट आई वॉज़ ट्राइंग टू डू साथ यस uh, मैं आप लोगों के लिए ऑडिबल का लिंक निकाल रहा हूँ ताकि आपको फ्री ऑडिबल uh, का फ्री मंथ मिल जाए जस्ट Get this for you. Uh, let's see. Mm -mm -mm -mm. okay so i'm in uh let's see so um i should have ओके आई एल गेट यू द लिंक आप में से जो जो टेबल चाहते हैं सो कमिंग बैक टू द चैट द सीक्रेट यस द सीक्रेट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स दैट आई हैड रेड एंड वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोज दैट आई हैड वॉच जिसका मेरे पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आया टू द इफेक्ट ऑफ मेरे रिस्पे ग्रैटिट्यूड का टैटू है अगर आप द सीक्रेट वाले हो तो यू ऑलरेडी नो कि वाई आई हैव टू फाइव ए एम क्लब नहीं आई वॉन्ट टू बी बट आई हैव नेवर बिन कभी कभी मैं सुबह जल्दी उठने वालों में से होता हूँ कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होता हूँ मोस्टली uh, नहीं मोस्टली नहीं ना मैं रात को लेट जागता हूँ ना मैं सुबह जल्दी उठता हूँ रेयर uh, बट इफ देर इज़ वर्क फॉर एग्जाम्पल बहुत बार ऐसा होगा कि मैं सुबह चार या पाँच बजे तक जागा हूँ बट इफ़ ओनली एंड ओनली इफ देर इज स्टफ दैट आई वॉन्ट टू डू या मेरे दिमाग में जैसे फॉर एग्जाम्पल कल का ही काफ़ी सारे आइडियाज़ आ रहे थे सो आई वॉज आई वॉज अ वेट टिल फोर थर्टी आई वॉज़ वर्किंग ऑन अ फ्यू थिंग्स अरे बाबा उज्ज्वल यू गॉट फ्री एट एट पी एम ग्रेट

कर्व एंड इट इज डिफिकल्ट टू अपलाई अलॉट ऑफ थिंग्स बट इट डेफिनेटली इट डेफिनेटली डेफिनेटली इज अ गुड आइडिया कि आप कुछ कुछ चीज़ें अपने लाइफ में अप्लाई करो एंड देखो क्या काम करता है क्या नहीं काम करता है